हरियाणा के अम्बाला जिले में सेंट्रल जेल के बाहर एक ऐसी कैंटीन खोली गई है जिसमें कैदियों के हाथ से बनी बेकरी आइटम मिल रही है। खास बात यह है कि यह सभी सामान कैदी जेल में रहते हुए बनाते हैं और यह बाहर लोगों को बेचा जाता है। वहीं इस कैंटीन की खास बात यह भी है कि इस कैंटीन में रोज़ाना जेल के बाहर कैदी काम करने के लिए आते हैं। वहीं इस दुकान में लोग कैदियों के हाथ से बनी ताज़ा समोसे भी खाने के लिए आते हैं, जो काफ़ी चर्चा का विषय भी बने हुए हैं। इस कैंटीन के बाहर कैदी समोसे के स्टॉल लगाकर समोसे भी बनाते हैं और यह समोसे खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट भी होते हैं। वहीं इस कैंटीन की बात करें तो इसमें लोगों को बिस्कुट रस से लेकर जेल में तैयार किया गया आटा भी मिलता है। वहीं इस दुकान में स्टाफ भी कैदी ही होते हैं, जिसे जेल प्रशासन के द्वारा पूरी निगरानी में रखा जाता है। यह दुकान सुबह 7 बजे खुल जाती है और रात 8 बजे के समय बंद हो जाती है। इस दुकान में कोई भी व्यक्ति आसानी से बाहर के मुकाबले सस्ते दामों में सामान खरीद सकता है। वहीं लोकल 18 से बात करते हुए दुकान में ड्यूटी कर रहे अशोक कुमार ने बताया कि पूरे हरियाणा में अम्बाला सेंट्रल जेल के बाहर यह एकमात्र कैंटीन खोली गई है, जिसमें रोजाना 4 कैदी जेल के बाहर कैंटीन में काम करने के लिए आते हैं। वहीं उन्होंने बताया कि यह कैदी रोजाना ताजा समोसे, चाय आदि बनाकर लोगों को बेचते हैं और इस कैंटीन में काम करने के बदले कैदियों को मानदेय भी दिया जाता है और साथ में उनकी सजा को भी कम किया जाता है। मैं यहाँ अशोक कुमार सेंट्रल ड्यूटी करता हूँ और यहाँ पर हैरी कैफ्टेरिया की कैंटीन खुली हुई है सेंट्रल लंबाड़ा की तरह से। ये पूरे हरियाणा में पहली बार कैंटीन खुली है, जिससे द्वारा 4 कैदी बंदी भाई बाहर काम के लिए आते हैं। यहाँ पे समोसे और देसी घी में बिस्किट और नाश्ते का प्रोग्राम है, दूध चाय सभी चीज़ें उपलब्ध होती हैं यहाँ पे। तो क्या ये सभी कैदी बनाते हैं? ये सभी कैदी बनाते हैं, जिसकी सजा होती है उनको इसमें पैसे मिलते हैं और साथ में सजा भी माफ़ी मिलती थी। ये इनकी ये इन पर विश्वास होता है, ये बार बार छुट्टी काट के वापसी आए होते हैं, इस वजह से इनको विश्वास कर लिया हमारे डीजी के साथ निर्वाचन की सेंक्शन जाती है और वहाँ से आता ये प्रोग्राम साफ हो गए तब करते हैं। ये पहले ये पूरे हरियाणा में पहली कैंटीन है जो हमारे डीजी साहब ने खुलवाई है, इससे सभी को अच्छे लगा है। ये सभी आमजनों के लिए है, जब पूरी बाहर की पब्लिक यहाँ से कोई भी सामान खरीद सकती है। हमारे यहाँ पे देसी घी में बिस्कुट बनते हैं। यहाँ उच्च क्वालिटी का सामान मिलता है और बाहर से अच्छे और कम दाम पे मिलती है और साफ सफाई बिल्कुल ही होती है, क्वालिटी बेहतर है सबसे। हाँ, लोगों को लाभ मिलता है, यहाँ सस्ता का सामान है, बिना वो नहीं है मिलावट, कोई सामान में मिलावट नहीं है, यहाँ पे साफ सुथरा सामान मिलता है यहाँ पे।